हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 33 की, जो कि 12 फरवरी के लिए जारी किया गया कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जंतुओं में जनन, और आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पाठ जंतुओं में जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। बच्चों, इसमें जन जो होता है उसमें एक जीव भाग लेता है, इस वजह से संतान और जनक की प्रतिलिपि होती है। ये भी जैसे लैंगिक जनन होता है ज़्यादातर केसों में, ठीक है। अब इसका उदाहरण है हाइड्रा ईस्ट मुकुलन के द्वारा, मतलब ईस्ट में मुकुलन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। यानी कि प्रक्रिया बता दी इसमें कि हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है। अब सबसे पहले बात करें हाइड्रा में मुकुलन की, तो मुकुलन में होता क्या है कि साइड से एक छोटी सी पूंछनुमा संरचना निकलनी शुरू होती है। अब जैसे जैसे मुकुलन होता है, ये हाइड्रा में से निकल करके एक नया हाइड्रा बन जाता है, जैसे कि आखिरी में दिखाई दे रहा है। तो अब जरा देखते हैं इसे क्या कहता है। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती है, जिसे मुकुल कहते हैं। ये मुकुल उभार धीरे धीरे विकसित होते हैं, विकसित होकर ये मुकुल मृत जीव से मात्र जीव से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। ईस्ट जैसे जीवों में उभार मुकुल जनक जीव कोशिका में रहते हैं, और आखिरी क्या बता रहा है, हाइड्रा में मुकुल ने नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। यानी ये मुकुलन होता है, यानी कि साइड से एक छोटी सी पूंछनुमा संरचना निकलती है, जिसे मुकुल कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अमीबा में द्विखंडन की। द्विखंडन का मतलब सीधी भाषा में ये कहें कि एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाएगी, जैसा कि दर्शाया भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं, पढ़ के जरा। अमीबा एक कोशिकी जीव जिसके अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रक में विभाजित होने से शुरू होती है। यानी कि मेनली कोशिका के साथ साथ केंद्रक भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। फिर है इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भाग कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा जनक से दो स्तति अमीबा बनते हैं, यानी एक अमीबा से दो अमीबा बन जाएंगे। फिर ऐसे जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहते हैं। यानी कि जिस प्रक्रिया में एक जीव विभाजित होकर के दो जीव में विभाजित बन जाए, दो जीव बन जाए, उसे द्विखंडन कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला है मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित कीजिए। तो ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर के दो जीव उत्पन्न कर दे, द्विखंडन कहलाता है। पहली चीज यह है द्विखंडन के बारे में, जैसा कि दिखाया भी हुआ है आपका, ठीक है ना। अब मुकुल क्या है, जब शरीर में उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होकर के मुकुल जिसे कहते हैं वो बन जाए, ठीक है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। ये होगी बच्चों आपकी पहले प्रश्न के उत्तर। प्रश्न नंबर दो है, ऐसे जीवों के उदाहरण दे जो जहां मुकुलन और द्विखंडन को दिखाया जा सकता है। तो अमीबा में द्विखंडन दिखाया जा सकता है, और हाइड्रा में मुकुलन दिखाया जा सकता है। फिर है प्रश्न नंबर तीन, अलैंगिक जनन में एक नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। उसका कारण यह है कि वह उस जीव के जैसा ही बनता है बच्चों, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर चार, अमीबा के द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो अमीबा के द्विखंडन का चित्र ये है, और बातें आपको वर्णन में लिखनी है ये बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर पांच है, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। हाइड्रा में भी ऐसे ही करना बच्चों आपको, चित्र है ये और वर्णन करना इन सब चीजों का, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।